जसपुर कोतवाली पुलिस ने मछली पालन केंद्र में चोरी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में दो चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। दरअसल रईस अहमद ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि ग्राम अमिया वाला रोड पर स्थित मछली पालन के तालाब के पास बने कमरे में लाखों रुपए की कीमत के एल्यूमिनियम के गिट्टे, इन्वर्टर, बैटरी चोरी हो गई है, जिसके आधार पर कोतवाली जसपुर में मुकदमा दर्ज किया गया और जाँच शुरू कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जसपुर में रईस अहमद जो कि सन्यासियों वाला के, उनके द्वारा एक सूचना दी गई थी कि अमियों वाला में उनका एक पॉन्ड है फिश पालन का, वहाँ पे उनका इन्वर्टर बैटरा और जो एल्युमिनियम के उनके गिल्टे थे उसको कुछ चोरों के द्वारा, अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है। इस पर तत्काल थानाध्यक्ष जसपुर के नेतृत्व में एक टीम बना करके सक्रिय किया गया था अभियोग पंजीकृत करने के बाद। तो जानकारी आई कि वहीं काम करने वाले दो लड़के जो कि ये संभल के है, जिसमें इसरार और जावेद, ये काफ़ी दिनों से इसकी रेखी किए हुए थे और यही गाड़ी लेकर गया और ले जा करके इन्होंने वहाँ से उनका इन्वर्टर बैटरा और जो एल्युमिनियम के गिल्टे थे वो उसको चोरी करके ले गए थे। हमारी पुलिस ने इनको कल अरेस्ट किया है। 100% इसमें जो गिल्टे जो लाखों के हैं और इसके अतिरिक्त जो इन्वर्टर है बैटरा उसकी रिकवरी की गई है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम साहने आलम है वो वांछित अभियुक्त है। इन दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। साहने आलम जो वांछित है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।